नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस की बैठक अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीट जीतेंगे, कर्नाटक में जो हुआ उसे रिपीट एमपी में करेंगे। कांग्रेस की बड़ी बैठक अब खत्म हो चुकी है। कमलनाथ और दिग्विजय भी शामिल हुए थे इस बैठक में। रणनीति, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही थी और अब आपको बता दें ये बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी का बयान भी इस पर आया है। साफ तौर से राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से जो फॉर्मूला कर्नाटक में लागू किया गया था वही फॉर्मूला अब दोहराया जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ सर, राहुल गांधी 150 का दावा कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी के पास इनपुट है, उनके पास इसकी जानकारी है, वो किसी आधार पर बोल रहे हैं। कर्नाटक रिपीट होगा सर? कर्नाटक से बढ़िया रिपीट होगा। बीजेपी की सर, वो लोग लगातार जितने बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, वो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। राहुल जी ने किसी आधार पर किया है, कुछ इनपुट्स पर किया है, कुछ जानकारी से किया है। सर, जो बीजेपी के लोग वहाँ पे दावा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसका असर होगा सर? सर, कुछ असर होगा? कुछ नहीं होगा। तो कमलनाथ साहब दावा कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने दावा किया है उनके पास इनपुट हैं और कर्नाटक से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी, भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले उसका असर नहीं होगा। मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं 150 सीटों का, कुछ मतलब हकीकत है सर? मतलब बहुत ज्यादा है। आज हमारे प्रदेश के सभी नेता को यहां पर राहुल जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने बुलाकर और सारी स्थिति मध्य प्रदेश की उन्होंने समझी जानी और अपने अपने अनुभव के अनुसार हमने भी अपनी सारी बातें रखी है और जो जो सावधानी अपनानी है वो अपनाने के लिए सबको सतर्क किया है और आने वाले 2023 में जब चुनाव आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी रणनीति बन गई है और आने वाले समय में 150 तक सीटें हम जीतने का पूरी हमारी तैयारी है। तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और कई प्रकार के यहाँ वहाँ पर चल रहा है और लोग परेशान हो गए हैं। लोग परेशान हैं, आप दावा कर रहे हैं 150 सीटें। सर, उतने ही लोग नाराज भी हैं, उस नाराजगी का भी कुछ यहाँ जिक्र हुआ कि उसको कैसे दूर करेंगे? वो बीजेपी के ऊपर नाराजगी है, कांग्रेस के ऊपर नाराजगी नहीं है। लोग सब चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने और कांग्रेस की जो योजना है पिछले समय की, चाहे 15 महीने सरकार की रहो चाहे हमारी पहले की सरकार हो, और सब जनहितैषी योजनाएं लागू करते थे और आम लोगों को उसका फायदा मिलता था, पर भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजनाएं और बड़े बड़े जो दलाल हैं, बड़े बड़े मतलब कई प्रकार की मतलब भ्रष्टाचारी करने वालों को जुम्मे कर रखा और आम लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा, उसकी नाराजगी है, उसी वजह से 150 सीटें आएगी ऐसा हमको विश्वास है। तो कांतिलाल भूरिया दावा कर रहे हैं कर्नाटक की तर्ज पर हम मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और बीजेपी की जो नाराजगी है लोगों में बीजेपी को लेकर राज्य की, वो हमारे लिए जीत का रास्ता तय करेगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़। अभी हमारा डिस्कशन हुआ तो बड़ी बैठक कांग्रेस की तरफ से हुई है। आखिर क्या कुछ खास इस बैठक में रहा है और जो दावा किया जा रहा है सीटों का, 150 सीटों का, उस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, तो वही पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से। पीसी शर्मा जी बहुत स्वागत है, नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीसी शर्मा जी, सबसे पहले आप भी इसे सवाल में करना चाहूंगी, 150 सीटों का दावा राहुल गांधी द्वारा किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर मेरा हमेशा से मीडिया में जब भी बात की है मैंने कहा है हमेशा 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके। कर्नाटक में जो रिजल्ट,
सीटें दी हैं कि जो खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी करती है 35-35 करोड़ में विधायकों खरीद लेना, वो स्थिति जनता इन सब चीजों से ऊब गई है। इसलिए स्पष्ट बहुमत देकर वो सरकार बनाएगी। और जिस तरह से आज महंगाई, जिस तरह से आज महंगाई से जनता पीड़ित है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 1 करोड़ से ज्यादा युवा मध्यप्रदेश में बेरोजगार हैं। और इसीलिए जो कमलनाथ जी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया है, जो 1500 रुपए हर बहन के अकाउंट में आएंगे, ये बात की है, 100 यूनिट बिजली माफ रहेगा, 200 हाफ रहेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सब चीजें जो जहां जहां कांग्रेस जीती है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सब लागू हो गई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो ये ऊंट के भाव पालने में दिख रहे हैं। इसलिए जनता वोट करेगी और जनता परेशान है और बीजेपी आपस में फूट है, रोज लड़ाई हो रही है। सागर का इशू देख लो आप, वहां सिंधिया जी के जो लोग गए हैं उनके इशू देख लो, जो जनसंघ के लोग जो है बैठ गए हैं घर में जिन्होंने बीजेपी बनाई, जिस तरह से दीपक जोशी जी जैसे लोग जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पूर्व मंत्री हैं वो कांग्रेस में आ गए हैं, कई लोग आ गए हैं, तो ये सब जो है माहौल बता रहा है कि कांग्रेस एक थोड़ा से ज्यादा सीटें, जो मैं बार बार कहता हूँ 174 के आसपास वो देखने को मिलेगा। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनहितैषी सरकार बनेगी, ये माहौल चारों तरफ फैल गया है और जनता में इस चीज का करंट है। और कांग्रेस के नेताओं की भी जो बैठक हुई है उसमें भी ये सब इश्यूज मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली के अंदर सेटल हुए हैं और सब पूरी ताकत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगे हैं, जबकि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की रोज बातें आ रही, ये एक दो पक्ष सामने देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है, पीसी शर्मा जी जवाब ले रहे थे, नेहा बग्घा जी जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब तैयारी के साथ खड़ी हो रही है, 150 का दावा राहुल गांधी द्वारा किया गया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मुंगेरी लाल से हसीन सपने हैं, पीसी शर्मा जी शायद उनको ध्यान में नहीं आ रहा कि अभी चंद दिन पहले, शायद 3 ही दिन हुए हैं कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे पवन खेड़ा जी और स्पष्ट कह गए हैं कि कमलनाथ जी के चेहरे पर नहीं होगा। तो कांग्रेस में जिस प्रकार की सिरखुटव्वल का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने एक दलित कार्यकर्ता को धक्के मार के मंच से उतारा है, कल की जो तस्वीर आई उसके बाद कार्यकर्ताओं से जो आपत्तिजनक भाषा में बात की है, तो ये कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है वो उसके डूबने का कारण देश में भी रहा है और उसका पतन मध्य प्रदेश में भी इसी कारण से होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दिग्विजय सिंह जी को जहां पर 60-62 सीटों का प्रभार दिया है, ये तो वही मुख्यमंत्री रहे ना कांग्रेस पार्टी के 10 साल, जिन्होंने जब जनता ने उन्हें आईना दिखाया और बंटाधार का राज्य जो उन्होंने मध्य प्रदेश को बना दिया था, बिजली गुल, सड़क गायब, शिक्षा नहीं और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अपराध था, उसी के कारण दिग्विजय सिंह जी को अपना शकल छुपानी पड़ी थी आने वाले अगले 10 सालों तक। और पूर्व में हमने देखा 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई, हर चीज में खजाना खाली है, पर ट्रांसफर उद्योग चलाकर अपना और अपने करीबियों का खूब पैसा लेकर जेब भरने का काम किया, घर भरने का काम किया। ईडी के छापे में हमने देखा कुपोषित बच्चों का जो अनाज का पैसा आता था उसको खाने का काम किया कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने। बिजली फिर से जाने लग गई थी और चमगादड़ को इनके मंत्री जो है वो जिम्मेदार बता रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी में जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार और लूट की सरकार दिग्विजय सिंह जी के शासन में, कमलनाथ जी के शासन में चलाई है, ये जनता ने बहुत करीब से देखा है। तमाम सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता एक युवा को नहीं दे पाए, की सरकार चल रही है, किसानों की कर्ज माफी जिसमें किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, बल्कि महिलाओं के अलग से पार और 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सरकार करने जा रही है। तो ये राहुल गांधी वास्तविकता जानते नहीं, किसी जमीन अभी के बीच में जाते नहीं, अभी फिर विदेश जा रहे हैं। जी हमारे साथ सहयोगी अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की तरफ से, बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं, दावा भी किया गया है 150 सीटों का, किस तरह से देखें? गांधी जी, आपसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गुजरात लगता है, जहां 182 में से 156 सीटें जीतकर 53% वोट लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया और कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आप नेस्तनाबूत हो गए। मध्य प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास का मॉडल
ये हमारी ताकत है और भाजपा का संगठन का एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा है कि जो 2003 से पहले बीमारू राज्य दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाधार के नेतृत्व में आपने बनाया था और 15 महीने की कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था, हम प्रतिबद्धित होकर के काम कर रहे हैं और अब की बार 200 पार का नारा मध्य प्रदेश में साकार रूप लेगा। आइए मध्य प्रदेश इस बात का जवाब देने के लिए जो आपने झूठ बोला था आपको तैयार बैठा है। कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, अरे आप देख लो ना, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गुजरात लगता है जहां आपकी जमानत जब्त हो गई और बहुत समय नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश लगता है जहां 17 के 17 नगर निगम जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया और यही मध्य प्रदेश है जहां 28 चुनाव थे, तब कहां थे राहुल गांधी जी? इसी मध्य प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया, ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में आईना दिखाया, जब भी चुनाव हुए तब आईना दिखाया और फिर 23 में आईना दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश का संगठन मजबूती के साथ मैदान में उतरा है। और आखिर मुख्यमंत्री ने इस पूरे ही मसले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। तो बड़ी बैठक हुई है और इस बड़ी बैठक पे अब जो है कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। वीडी शर्मा का बयान भी आपने सुना, वीडी शर्मा ने साफ तौर से कहा कि बीजेपी का गढ़ है मध्य प्रदेश और 200 पार का नारा इस बार भी हम लगा रहे हैं और 200 सीटें जीतेंगे। उसी तरह मुख्यमंत्री ने भी यही बयान दिया। हमारे साथ सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए। अनुराग, बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई है, 150 सीटें जीतने का दावा राहुल गांधी द्वारा किया गया है। अभी तक जो है बीजेपी इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में 200 पार जो है बीजेपी जाने का काम करेगी। अब की बार 200 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब 150 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतने का दावा करा है। राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 150 सीटें हासिल होंगी। अभी तक की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह लगातार जो मंडलम सेक्टर की बैठक कर रहे थे उसमें 130 से 135 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो दावा किया है उसके पीछे कमलनाथ की जो प्रतिक्रिया आई है कि राहुल गांधी का अपना खुद का सर्वे है और उसी के आधार पर राहुल गांधी ने ये दावा किया है। तो कुल मिलाकर जो कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे वहां पर भी अपेक्षा से ज्यादा परिणाम कांग्रेस को मिले और उसी के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन क्या कांग्रेस का कोई सर्वे है जिसके आधार पर राहुल गांधी इस बात का दावा कर रहे हैं, या फिर आज जो बैठक हुई थी दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद मिला फीडबैक ये बता रहा है कि क्या कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने न सिर्फ आज की बैठक में कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इस बात को लेकर फीडबैक लिया है कि कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में होंगे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी जाएगी और एंटी इनकम्बेंसी क्या वाकई में मध्य प्रदेश में असरदार है और इसके अलावा कौन से चेहरे होंगे। तो कुल मिलाकर पूरा फीडबैक मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं से लिया और उसके बाद जो राहुल गांधी का दावा है उसको एक तरीके से यदि हम कहें तो कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम थे, जो अपेक्षित परिणाम थे, उससे ज्यादा जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं उसी के बाद से ये राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है और उसी के बाद अब पार्टी इस बात को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में विश्वास तो बड़ा है, दावा भी कर दिया गया। पर बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि कोई नेता कहते हैं किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कोई कहता है कि कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, एक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, गुटबाजी पूरी तरह से नजर आ रही है कांग्रेस में अभी भी।
बिल्कुल, देखिए आज जो दिल्ली में बैठक हुई उसका मकसद ही इसी बात को लेकर था कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनकी गुटबाजी की खबरें पार्टी हाईकमान तक पहुंचती हैं उनसे भी चर्चा की जाए। देखिए पार्टी साफ कर चुकी है, खुद प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल साफ कर चुके हैं कि इस बार सिर्फ कांग्रेस अपने बैनर पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताने का काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर चेहरा कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का कौन होगा इसको लेकर पार्टी में भले ही एकमत अभी ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अब आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उसकी जीत कहीं ना कहीं आसान हो सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।